अच्छा जी, विपक्ष बैठा रहे तो इतना दिन तो आप ही के पक्ष वालों के साथ ही थी। ब्रिजभूषण किसके पक्ष के है? ब्रिजभूषण किसके पक्ष के है? किसी विपक्ष के तो नहीं थे। जांच कैसे होगी भाई? हमें तो सिर्फ एक और एक न्यायालय से उम्मीद है कि वो अपना न्यायालय इंसाफ के साथ हमारी बेटियों के लिए करे। बिल्कुल है, क्योंकि देश का संविधान और न्यायालय ही हमारे देश को थोड़ा बहुत बचा रखा है। और अगर देश का संविधान और न्यायालय ना होता तो इनकी गुंडाई ऐसे होती किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देता। मोदी जी के बारे में कुछ बोलिए। मोदी जी के बारे में क्या बोले आप? देश के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। देश के बड़े नेता, देश के झूठे नेता, देश के क्या कहते हैं उसे, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले नेता, लेकिन वो क्या काम करे? 18 घंटे काम करते, 56 इंच का सीना है। मैडम, मोदी जी जो सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, इज्जत से नाम लीजिए। ओहो, मैं तो इज्जत से ही नाम ले रही। जिन्होंने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम उनके इज्जत से क्या नाम ले ले। अरे भाई, आप भी अपने घर में जाते हो, बीवी को इज्जत देते हो। जब इज्जत से मोदी जी ने अपनी बीवी का नहीं नाम लिया तो हम कैसे करें उनके नाम? बताइए, बीवी, उनकी बीवी को इज्जत नहीं दिया, हम महिला से इज्जत लेने की बात करते हैं? पर्सनल मैटर है तो हमारी महिलाओं की पर्सनल मैटर नहीं है। इनके साथ जो गलत हो रहा है यह पर्सनल मैटर नहीं है। यह पूरे देश में आज लड़कियां, पूरे देश में इनकी बातें चल रही है। अगर ये लड़कियां, अगर पूरा देश अगर इनको समर्थन नहीं करता ना, इनको चुटकी में मसल देते, चुटकी में। बहुत बड़े नेता के बारे में आप गलत बोल रहे हो। बड़े नेता के बारे में गलत बोल रहे हैं। बड़े नेता मेरे घर में भी बुलडोजर चला देंगे, क्या दिक्कत है? बताइए, डर क्यों लगेगा? इस देश में रह रहे, देश की रोटी खा रहे, देश के लिए हकीकत बात बोल रहे। अगर इसके लिए फांसी में चढ़ना है तो चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीबीआई लग गया पीछे फिर? अरे लगा लो, ईडी सीबीआई लगा लो, क्या निकलेगा? मोदी जी के पास तो झोला, हमारे पास तो झोला भी नहीं है भैया। वो तो झोला उठा के भाग जाएंगे, हमारे पास तो झोला भी नहीं है। आप बताइए, उन्होंने सिर्फ कहा था, करा नहीं है ऐसा। अच्छा जी, कहा था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, झोला उठा के चल देंगे। आज झोला उठा के वो फकीर यहाँ नहीं आ रहे, हमारी बेटियों के पास नहीं आ रहे, अपने इलेक्शन में बिजी है। अरे उनका कहना है ये विपक्ष दल ने बिठा रखा तो यहाँ पे आके करेंगे क्या? तो अरे तो विपक्ष ने बिठा रखा तो तुम आके अपने पक्ष में कर लो ना। ये तो षड्यंत्र रचे हैं बीजेपी को बदनाम करने। अच्छा, बीजेपी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र? अब इस खेल खिलाड़ियों को भी तुम लोग जातिवादी में बांध दो। आज जो ये खिलाड़ी बैठे हैं इनको भी आप सब मिलकर जातिवादी में बांध दो, क्योंकि देश में रोटी सिकना है तो जातिवादी पे, देश में रोटी सिकना है तो जिहादियों पे, देश में रोटी सिकना है तो क्या बोलता है रामनवमी के बहाने, देश में रोटी सिकना है तो किसी को भी पकड़ लो, उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, उस पर मारो बस। कैसे मिलेगा पहलवानों को इंसाफ? ये कहना है कि क्या नाम है, इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। सबूत हाथरस में? अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सबूत नहीं है इनके पास। कोई भी लड़की अपने ऊपर बिना सबूत के इतना हिम्मत नहीं कर सकती कि पूरे देश का, पूरे राज्य का, दिल्ली है, इस राज्य की दिल्ली के, दिल्ली राजधानी के अंदर जंतर मंतर पे बैठ के खुलियाम माइक पे बोलती कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई भी लड़की नहीं बोल सकती जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होगा। समझ गया? ब्रिजभूषण आज छिल मिला रहा क्यों? आज बोलता मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों दे दूंगा भाई? इससे पहले क्यों नहीं दिए? इसे पहले तुम्हें देना चाहिए था। कल हम 100 लेडीज को लेके आएंगे। अगर पहलवान को इंसाफ नहीं मिला, यहाँ महिलाओं की लाइन लगेगी, सारी महिला अपने चूल्हा चौकी छोड़ के पहलवानों के समर्थन में आएंगी। सर, एक मिनट, मेरा नाम सबीना है। विपक्ष सारी मांगे पूरी को सम्मान दिया है। कहाँ, कौन सी जगह आपने देखा? आप लोगों ने देखा? महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, किसने देखा? अच्छा सुनो, मैं बवाना में रहती हूँ, बवाना में रहती हूँ, कंझावला मेरे से आधा घंटे के भी रास्ता नहीं है। आज बता रही हूँ मैं, कंझावला में जो कांड हुआ है, मोदी जी ने बेटियों को इंसाफ दिया? आज मीडिया, जो मीडिया दलाल मीडिया बैठे हुए है, वो मीडिया बिकाऊ मीडिया, अडानी की भी मीडिया, गोदी की, अडानी जो मीडिया है, अडानी को फिर देखा है, वो लोग जो ये कांड करा हुआ है, लड़कियों को इंसाफ दे रहा है। रात को 1 बजे लड़कियों का हाथरस में वो सौंफ जला दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों जलाया जाता है? हिंदू धर्म में कभी भी दिन ढूंढने के बाद कभी भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उस बेटी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? क्योंकि वो बेटी है, जोगी जी के इशारे पे हुआ। वो बेटी को क्यों हुआ? अभी वो जो लेडीज थी, जिनका जिनके बच्चे, जिनका कातिल, 6 कातिल को छोड़ दिया गया। योगी जी कहते हैं हम मिट्टी में मिला देंगे किसको?
माफियाओं को, माफिया को योगी जी कहते हैं। योगी जी आप मिलाइए तो ब्रिजभूषण जी को पहले मिलाइए, फिर तो मैं आपको सलूट करूंगी। आप ब्रिजभूषण जी को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिटा रहे हो? आपके जितने भी इस देश से पैसे लूट लूट के भाग गया, नीलम मोदी हो गया, उसको क्यों नहीं आप ये कर रहे हो? अडानी को क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ गरीब जनता पर ही अपना कसक, वो कहते हैं पहले जमाने में अंग्रेज लोग करते थे हम लोगों के साथ जुलुम, कि काला पानी का सजा दिया जाए हम लोगों को, काला इनको कारखाने में बंद कर दिया जाए हम लोगों को। आज वही हमारे ब्रिटिश राज का ये आज शोषण चल रहा है कि जो मोदी जी का गुण गाएगा वो जय राम जी कहेगा, जो मोदी जी का गुण नहीं गाएगा वो जेल जाएगा। मोदी जी